आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाओं से संबंधित पुस्तक प्रदर्शनी मेले का आयोजन हमीरपुर की इंदिरा गांधी राजकीय जिला पुस्तकालय परिसर में किया जा रहा है, ताकि जिला भर के युवाओं को इन पुस्तकों को पढ़कर पता चल सके कि हमें आजादी कैसे मिली थी। इंदिरा गांधी राजकीय जिला पुस्तकालय हमीरपुर में राजा राम मोहन राय फाउंडेशन के सौजन्य से आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी मेले में स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाओं से संबंधित करीब 400 पुस्तकें लगाई गई हैं। 15 अगस्त तक चलने वाले इस पुस्तक प्रदर्शनी मेले को युवाओं ने भी काफी सराहा है और जिला प्रशासन के इस कार्य के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया है। आपको बता दें कि 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में आजादी के 75वें महोत्सव को मनाया जा रहा है और इसी के तहत विभिन्न तरह की गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। इंदिरा गांधी राजकीय पुस्तकालय परिसर हमीरपुर में स्थापित किताबों के संग्रह में 400 के करीब किताबों को पुस्तक मेले में विशेष रूप से रखा गया है, ताकि विद्यार्थियों के अलावा आम जनता को स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाओं से संबंधित किताबों को एक ही जगह पर मिलने से उन्हें ये सुविधा मिल सकेगी। मेले में भारतीय संविधान का रियल वर्जन भी पाठकों के लिए उपलब्ध करवाया गया है, ताकि आजादी के 75वें महोत्सव में हर कोई शामिल हो सके। प्रदर्शनी के दौरान किताबें पढ़ने पहुंचे युवाओं ने बताया कि आजादी के 75वें महोत्सव के अवसर पर बहुत बढ़िया कदम प्रशासन ने उठाया है, क्योंकि बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने को यहाँ मिल रही हैं, जिससे जानकारी भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि एक जगह पर एक विषय से जुड़ी इतनी किताबें मिलना मुश्किल होता है, इसलिए रोजाना यहाँ आकर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी यादों को ताजा किया जा रहा है। यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है आजादी के 75 सालों होने के उपलक्ष्य में, ये उत्सव मनाया जा रहा है और ये पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हमीरपुर की तरफ से ये मतलब बुक्स के लिए मतलब रीडर्स के लिए आयोजन किया जा रहा है, मतलब कोई भी आके यहाँ पे अपनी बुक्स मतलब पढ़ सकता है और हमारे इतिहास के बारे में जान सकता है। और बहुत अच्छी किताबें हैं और बहुत अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं और बस यही है। और जितने से ज़्यादा रीडर्स आएँ और मतलब अपना मतलब बुक्स वगैरह पढ़ें। किताबें पढ़ने पहुंचे विकास शर्मा ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम के समय की सारी जानकारी इन किताबों में उपलब्ध है और इन किताबों से आजादी के समय में हालातों की भी पूरी जानकारी मिल रही है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में काफी जानकारी हासिल हुई है। इंदिरा गांधी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की तरफ से जो एग्जीबिशन उसकी एग्जीबिशन जो लगाई गई है आजादी के 75वें एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, वो एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है लाइब्रेरी की तरफ से। इससे हमें काफ़ी नॉलेज मिल रही है जैसे बुक्स के बारे में और जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में और जो बुक्स लिखते हैं और पर्सन उनके बारे में भी हमें नॉलेज मिल रही है। तो ये प्रशासन के द्वारा उठाया गया कदम बहुत ही अच्छा कदम है और हम ये आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह के कदम उठाए जाएंगे, जिससे कि हमें भी और आम आदमी को भी जानकारी मिल सके हमारे इतिहास के बारे में और जो भी कैसे हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। इंदिरा गांधी जिला पुस्तकालय हमीरपुर की प्रभारी कुसुम कुमारी ने बताया कि आजादी के पर्व के 75वें महोत्सव के उपलक्ष्य में 375 किताबें पाठकों के लिए रखी गई हैं, जिनसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं और अपना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहां पर उपलब्ध किताबों को कोई भी पढ़ सकता है और बुक करवा कर पढ़ने के लिए ले जा सकता है। उन्होंने बताया कि इन किताबों से ज्यादा लोग रूबरू हों, ताकि इन आज़ादी से जुड़ी हुई किताबों और जीवनियों का लाभ उन्हें मिल सके। आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में जो है हमारे पास स्वतंत्रता संग्राम में जिन जिन लोगों ने भाग लिया है उनकी जीवनियाँ, उनके बारे में जो शहीद हुए हैं उन सब की जो किताबें हैं यहाँ पे रखी गई हैं। लगभग 375 बुक्स जो हैं यहाँ पे रखी गई हैं। एक पेंसिल जो संख्या हमारी रियल बुक्स भी है, जो रियल वर्जन है इस मई का, वो भी हमारे पास यहाँ है, वो भी एग्जीबिशन में हमने रखा है ताकि लोगों को उसके बारे में पता चल सके। ये पब्लिक लाइब्रेरी है, यहाँ पे बुजुर्ग से लेके बच्चों तक हर कोई उम्र का रीडर जो है वो आ सकता है, किताबों को देख सकता है, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। अगर उनको भविष्य में कोई बुक वगैरह इशू करवानी हो तो उसको करवा भी सकता है।
इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे शहीद या क्रांतिकारी हैं उनकी बुक्स को हम बाहर निकाल के लोगों को दिखाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि लाइब्रेरी में कलेक्शन तो बहुत है लेकिन वो अलमारियों में बंद रहती हैं, किताबें लोगों तक पहुँच नहीं पाती हैं। जैसे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मकसद यह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इन किताबों से रूबरू हों, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके।